हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप अपना फोन चलाते हैं और ऐसे में आप फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम आप ओपन करते हैं और आप जानते हैं कि इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, आप सभी लोगों के अपने परिवार के साथ नहीं देख सकते हैं, ठीक है, फोन पर, क्योंकि कुछ वीडियो या फिर कुछ लिंक्स ऐसी आ जाती हैं जो कि हम उन पर क्लिक कर देते हैं और वो गंदे नोटिफिकेशन है वो हमारे फ़ोन पर आने लगते हैं। तो ऐसे में उन गंदे नोटिफिकेशंस को हम किस तरीके से परमानेंटली बंद कर सकते हैं कि वो हमारे मोबाइल पर ना आए, ठीक है। ये एक्चुअली में होता कब है, जैसे कि अगर हम क्रोम अपने फ़ोन में चलाते हैं और हम क्रोम को ओपन करते हैं या फिर हमारे सामने कोई भी वेबसाइट ऐसी आ जाती है या फिर हम जानबूझ के हम उस वेबसाइट के ऊपर जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर कुछ नोटिफिकेशन है वो हमसे अलाउ हो जाते हैं, हम जानबूझ के नहीं करते हैं पर वो अचानक से अलाउ हो जाते हैं, हमसे धोखे से क्लिक उनके नोटिफिकेशन परमिशंस को अलाउ हम कर देते हैं, ठीक है, तो वो हमारे फ़ोन पर नोटिफिकेशन आने लगते हैं और ऐसे में हम जब भी उन नोटिफिकेशन को हम ओपन करते हैं या हमारे पास में कोई बैठा हुआ होता है तो वो वहाँ पर जो कि गंदे सीन्स होते हैं वो वहाँ पर ओपन हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे में हमें बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है, तो उन नोटिफिकेशंस को हम किस तरीके से बंद कर सकते हैं तो चलिए जान लेते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आपने अभी तक वीडियोस को लाइक नहीं किया तो वीडियोस को लाइक कर दें, ठीक है। तो हम सबसे पहले, अगर आप कोई भी यहाँ पर ब्राउजर चलाते हों, चाहे आपके फ़ोन पर किसी भी तरीके का नोटिफिकेशन आता हो, ठीक है, उन नोटिफिकेशंस को आप एक ही बार में बंद कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, उसी जो भी ब्राउजर के जरिए नोटिफिकेशन आ रहा है आपको सिंपली उस पर प्रेस करना है, जैसे कि ये है, अब आप इसे प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा मोर का सेटिंग्स का ऑप्शन, ठीक है, इस पर आप सिंपली क्लिक करेंगे। यहाँ पर मैं इसे ऑफ कर देता हूँ। अब इस एप्लीकेशन से रिलेटेड जितने भी नोटिफिकेशन होंगे वो आपको बैकग्राउंड में दिखाई नहीं देंगे यहाँ पर। इसी के साथ में आपको यहाँ पर जैसे कि जो कि शेयर का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इस पर आप सिंपली यहाँ पर प्रेस करेंगे, मोर सेटिंग्स का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर हम इससे भी हम यहाँ पर नोटिफिकेशन को ऑफ कर देंगे। अब जितने भी इस एप्लीकेशन से रिलेटेड होंगे वो सारे नोटिफिकेशन यहाँ पर बंद हो चुके होंगे, ठीक है, आप देख सकते हैं। इसी तरीके से आपके मोबाइल में क्रोम ब्राउजर से रिलेटेड आते होंगे तो उनकी जो परमिशन है आपको यहाँ पर बंद कर देना है और उसके बाद में वो नोटिफिकेशन भेजना बंद कर देगी, वेबसाइट से ही चाहे वो ब्राउजर से ही, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर एक एक करके नोटिफिकेशंस को यहाँ पर उन सेटिंग्स को आप ऑफ कर दीजिएगा। इससे यह है कि आपको अपने क्रोम ब्राउजर को जाने की डिलीट भी करना नहीं होगा और आपको ना तो ईमेल आईडी चेंज करने की ज़रूरत होगी, तो आप यहाँ पर बहुत ही आराम से उन नोटिफिकेशंस को बंद कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ये है, हम यहाँ पर कुछ सेकंड इसे प्रेस करेंगे और यहाँ पर मोर पर सिंपली क्लिक करेंगे, इसे ऑफ कर देंगे। उसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर इंस्टाग्राम को लेकर सही, चाहे अगर आप इंस्टाग्राम के नोटिफिकेशन को बंद करना चाहते हैं तो मोर पर सिंपली क्लिक करेंगे और ये नोटिफिकेशन बंद हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप एक एक करके नोटिफिकेशंस को यहाँ पर बंद कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करें और आपका कोई भी सवाल है या कोई भी सुझाव है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। मिलते हैं ऐसे वीडियोस में।